हाय, वेलकम अगेन इन माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे कॉस्टिंग के टेक्निक्स के बारे में। तो कॉस्टिंग के टेक्निक्स मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, मार्जिनल कॉस्टिंग के बारे में मैंने आपको बता रखा है, एंड इसके अलावा मैंने आपको बजटिंग के बारे में बता रखा है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बारे में बता रखा है। ये सारे कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हमारे डिस्कस हो रखे हैं, फिर भी मैं इसको एक बार ब्रीफ में आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ कि आपको चीज़ें याद रहे। जैसे मैंने मार्जिनल कॉस्टिंग के बारे में क्या बताया था, द टेक्निक इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैन बी डिवाइडेड इनटू फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। मैंने आपको बताया था मार्जिन कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट को दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फिक्स कॉस्ट आर रिमेन सेम इन रिस्पेक्टिव ऑफ द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। वॉल्यूम प्रोडक्शन कितना भी हाई कर लो या वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन कितना लो कर लो, फिक्स कॉस्ट हमेशा सेम रहेगा। यहाँ पे अजम्पशन वाइल वेरिएबल कॉस्ट वेरी विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज डिक्रीज करेगा, आपने 10 यूनिट बनाया तो आपको 10 यूनिट के हिसाब से लगेगा, 100 यूनिट, 500, 1000, जितने ज़्यादा आप यूनिट बढ़ाते जाओगे आपकी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती जाएगी। दे विल इंक्रीज इफ द प्रोडक्शन इंक्रीज एंड डिक्रीज इफ प्रोडक्शन डिक्रीज। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑलवेज रिमेन सेम। ये चीज़ें मैंने आपको पहले बताई है कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमेशा सेम होती है। इन दिस टेक्निक ओनली वेरिएबल कॉस्ट आर टेकन इन टू अकाउंट्स while calculating production cost, fixed cost are not absorbed in the production units. They are written off to the costing profit and loss accounts. The reason behind this is that the fixed cost are period cost and hence should not be absorbed in production. Secondly, they are variable on per unit basis and hence there is not equitable basis of charging them of the product. This technique is efficiently used for decision making area like make or buy decision. Make or buy decision होता क्या है कि हम कौन सा product खुद से बनाएं और कौन सा product हम बाहर से purchase करें, ये make or buy decision में होता है, ठीक है। Optimum product mix, मैंने आपको starting में बताया था कि milk का example दिया था कि आपके पास 10 kg milk है और आपके पास 4 option है तो आप क्या बनाओगे, वो वाले example की बात करता है। Key factors, key factor मैंने limiting factor बताया था, milk हमारे लिए क्या है, limiting factor। फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस मैंने आपको बता दिया है कि जब आपके पास एडिशनल ऑर्डर आएगा तो आप मार्जिनल कॉस्टिंग यूज करके आप सेलिंग प्राइस को फिक्स करोगे। एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग एन एक्सपोर्ट ऑफर, ये एडिशनल ऑर्डर की ही बात करता है। इसके अलावा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ऑलरेडी हमने कितनी बार डिस्कस कर लिया है तो आप उसको रेफर कर लो, फिर से देख सकते हो सारी वीडियोज, अनलिमिटेड टाइम आपके पास यूज है। बजटेड एंड बजटरी कंट्रोल, ये भी हमने काफ़ी बार डिस्कस कर लिया है। बजटिंग इज यूज्ड बाय ए बिजनेसमैन एज ए मेथड ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर द फ्यूचर। ये फ्यूचर के लिए होता है। बजट आर प्रिपेयर्ड फॉर मेन एरिया ऑफ द बिजनेस, परचेज, सेल्स, प्रोडक्शन, लेबर, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, कैश, एंड प्रोवाइड डिटेल्स प्लान एंड बिजनेस ऑफ द नेक्स्ट 3, 6 or 12 months। द फोकस ऑफ दिस चैप्टर इज द कैश बजट। ये बजट इज फाइनेंशियल प्लान फॉर बिजनेस प्रिपेयर्ड इन एडवांस। ए बजट मे बी सेट ऑफ मनी टर्म्स, एग्जाम्पल सेल्स बजट ऑफ ₹5 लाख, और इन कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स। देखो बजट या तो मनी के टर्म्स में हो सकता है या फिर यूनिट के टर्म्स में हो सकता है। बजट कैन बी इनकम बजट, मनी रिसीव्ड, एग्जाम्पल सेल्स बजट, एक्सपेंडिचर बजट, या मनी स्पेंड, एग्जाम्पल परचेज बजट। ये सब कुछ मैंने ऑलरेडी बार बार ये सारे टॉपिक्स हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है। डिफिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ बजटरी कंट्रोल, अभी हम बजट के बारे में बात करते हैं, बजटरी कंट्रोल के बारे में बात करते हैं। बजटरी कंट्रोल मेक यूज ऑफ बजट्स फॉर प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोडक्शन एंड और सेलिंग प्रोडक्ट्स और सर्विस। बजटरी कंट्रोल अटेम्प्ट्स टू शो द प्लान इन फाइनेंशियल टर्म। बजटरी कंट्रोल इज द प्लानिंग इन एडवांस ऑफ द वेरियस फंक्शन ऑफ ए बिजनेस सो दैट द बिजनेस कैन बी कंट्रोल्ड। बजटरी कंट्रोल लेड टू एक्सपेंडिचर इन सेक्शन ऑफ डिपार्टमेंट हु इनकर द एक्सपेंडिचर सो दैट द एक्चुअल एक्सपेंसेस कैन बी कंपेयर्ड विद द बजटेड वंस, द प्रोवाइडिंग ए कॉन्वीनिएंट मेथड ऑफ कंट्रोल। तो ये बजटरी कंट्रोल के बारे में बताता है कि हम क्या करते हैं, बजट बनाते हैं, उसको फिर इम्प्लीमेंट करते हैं एंड फिर हम बजटरी कंट्रोल करते हैं। हमने क्या बजट में बनाया था और क्या एक्चुअल में हो रहा है, फिर हम उसको कंपेरिजन करके बजटरी कंट्रोल करते हैं और हम चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं क्या क्या चीज़ें हमसे मिस्टेक्स हो रही है, हम उसको किस तरीके से रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो ये सारे कुछ थी, ये सब टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यू कॉन्सेप्ट के साथ।